morning student. I think class 8th NCERT. जहाँ पर हमारे exercise 2.4 solve हो रहे थे. जहाँ पर हमने question number 3 तक solve किए थे. और I think मैंने कहा था कि question 4 आपका video same है question 3 की तरह जो आपको solve करने के लिए दिया था. I hope आपने किया होगा. नहीं किया होगा तो एक बार दोबारा देख लेते हैं question number 4. सेम क्वेश्चन की वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम द अदर डिजिट इफ यू इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एट द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88 व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर यानी कहता है कि आपका जो दो डिजिट का नंबर है ठीक है तो एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है ठीक है और उसके बाद जब आप दोनों नंबर को इंटरचेंज करते हैं जब चेंज करते हैं तो दोनों का जब सम करते हैं तो आपको क्या मिलता है 88 एंड व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका लेट मी वन प्लेस लेट मी द नंबर एक्स ठीक है अदर नंबर क्या है आपका इसका 3 टाइम मींस 3x ठीक है अब नंबर मैंने बताया था आपको नंबर जब फॉर्म करते हैं तो कैसे करते हैं एक तो वन प्लेस में डिजिट है उसको उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने नंबर लिखा है आपका आपका 36 36 कैसा आया जब 6 कौन सा वन प्लेस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और ये 10 प्लेस है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 3 * 10 30 6 * 1 6 यानी 36 तो आपको इस तरीके से नंबर बनाना है अब इसमें से आप चाहे कोई सा भी वन प्लेस नंबर मान लो या फिर कोई सा भी आप 10 प्लेस नंबर मान लो इसको मैं मान लेता हूं 10 प्लेस नंबर इसको मान लेता हूं मैं 1 प्लेस नंबर नंबर फॉर्म करते हैं अब नंबर कैसे बनाएंगे चलिए 10 * 10 प्लेस नंबर प्लस 1 * 1 प्लेस नंबर ठीक है 10 * 10 वाला कौन सा बनाया मैंने ये वाला 10 * x ये हो गया 1 * 3x ये हो गया आपका 10x प्लस 3x इक्वेशन 1 आगे बताया आफ्टर इंटरचेंज आफ्टर इंटर चेंज द डिजिट एन चेंज करने के बाद क्या हुआ जो आपका वन प्लेस का नंबर है वो हो जाएगा 10 प्लेस और जो 10 प्लेस का नंबर हो रहा है वो हो जाएगा आपका 1 प्लेस मींस कैसे लिखोगे आप इसको 10 * अब इसको बनाएंगे आप 10 प्लेस 3x 1 * इसको बनाओगे आप 1 प्लेस x ये हो गया आपका 30x प्लस x यानी इक्वेशन 2 अब क्या पता जो नया नंबर बनता है ये नया नंबर है इन दोनों को जब ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है 88 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ऐड करते हैं 10x प्लस 3x प्लस 30x प्लस 10 टोटल में 88 ऐड कर लेते हैं ये हो गया आपका 10 3 30 टोटल में 14 और 14 और 30 हो गया आपके 44 ये हो गया 44x टोटल में 88 द नेक्स्ट इज इक्वल टू आएगा 88 अपॉन में 44 ये आएगा आपका x = 2 नेक्स्ट की वैल्यू क्या है आपकी 2 तो कैसे दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन ये था कि कोई नंबर है तो उसका दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का 3 टाइम है और जब इन दोनों नंबर को इंटरचेंज करते हैं जो नया नंबर बनता है उनको सम करने में कितना आता है 88 फाइंड द नंबर आपको नंबर फाइंड करना है तो मैंने पहले नंबर लिया x दूसरा नंबर 3 टाइम यानी 3x हो गया उसके बाद नंबर बताना मैंने पहले थर्ड क्वेश्चन बताया था कैसे बनता है 10 * 10 प्लस डिजिट और प्लस में 1 * 1 प्लस डिजिट तो मैंने 10 प्लस पहले माना इसको x को 10 * x किया और इसको माना मैंने 1 प्लस 1 * 3x दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनी 10x + 3x यानी इक्वेशन 1 सेम यहां पर अब इसको इंटरचेंज कर दिया जो 1 प्लस था वो हो गया आपका 10 प्लस और जो 10 प्लस था वो हो गया आपका 1 प्लस यानी ये 1 प्लस था इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 प्लस में ये 10 प्लस था ये आ गया आपका 1 प्लस में
10 को 30 से क्या 30x और 3 से और 1 को x से क्या 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जोड़ते हैं तो आता आपका 88। इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। अब आगे क्या बोलता है, आगे नंबर निकालना है आपको। तो नंबर निकालने के लिए आप इक्वेशन निकाल लेते हैं कोई सी भी। तो वो की इक्वेशन सो 10x + 3x इट मींस यहां पर मैं 10x के लिए पुट किया मैंने 2 और 3 2 ये हो गया 20 + 6 यानी 26। नंबर क्या हो गया आपका 26। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सोबोस मदर प्रेजेंट इन 6 टाइम द सोबोस प्रेजेंट एज। सोबो एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। यानी सोबो की मदर की जो एज है वो सोबो की एज की 6 टाइम है। 5 साल के बाद जो सोबो की एज है वो उसके मदर की एज की 1/3 हो जाती है। तो आपको व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। मैं लिखेंगे आप इसमें लेट बी Shobo age x और उसकी जो मदर की एज है वो क्या है 6 टाइम है। एज ऑफ हिज मदर 6 मल्टीप्लाई x यानी 6x। दिस इज द क्वेश्चन कह रहा है आपको इधर से सॉल्व करना है ठीक है। आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ शोभो, 5 साल बाद के बाद एज कितनी शोभो की पहले कितनी थी एक्स, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5। इसे आप 20 साल के हैं 5 साल के बाद कितनी हो जाओगे आप 20 प्लस 5 यानी 25। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो शोभो की एज है 5 साल के बाद वो उसकी मदर की एज की 1/3 हो जाती है। ठीक है, 5 साल के बाद जो शोभो की एज है तो उसके मदर की एज की 1/3 यानी 1/3 पार्ट कर दी। ये क्वेश्चन का भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 में 3 3 2 जा 6 जो x प्लस 5 2x और इस x को मदर ले लिया इसको ले लिया ऐसे करो इसको मदर ले देता हूं जाएगा 5 2x - x x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। नाउ ये जो शुरू हो गया थी यानी x की इट मींस 5 इयर्स ये जो इस मदर की कितनी आएगी 5 × 6 यानी 30x। ये x की 5 आ गई तो शोभो की एज कितनी थी x जो लेट की थी वो तो 5 साल आ गई तो उसकी मदर की 5 टाइम 6 टाइम थी इसकी तो 5 का 6 टाइम करेंगे कितना आएगा आपका 30 ईयर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो एज क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th है उसके जैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका एग्जांपल नंबर 14 है, पेज नंबर है आपका 30 पे। इसमें बोला कि द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3 द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143 व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। सेम उसकी तरह ही है इसमें बस जो डिफरेंट है वो क्या बोला है कि दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है 3 है ठीक है। उसके बाद वही चीज़ बताएगी अगर इंटरचेंज करते हैं तो जो नया नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा है 143 तो आपको वो नंबर बताने हैं। तो इसकी जो एग्जांपल दे रखा है इसकी हेल्प लेके एक बार खुद से कर सकते हैं आप फोर ईजी पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की तरह ही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और एग्जाम्पल नंबर 14 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। इन तीनों में से कोई से क्वेश्चन एक आता है बट वैल्यू चेंज हो सकती है कंडीशन चेंज हो सकती है बाकी मेथड ये रहेगा आपको। जैसे पहले में था कि सम ऑफ द डिजिट था
सेकंड में आपको बोल दिया कि एक नंबर दूसरे नंबर का थ्री टाइम है, उस एग्जांपल में बोल दिया आपको कि दोनों नंबर का डिफरेंस यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आता है, थ्री आता है, पहला दूसरे से थ्री नंबर डिफरेंस है। तो इस तरह से कंडीशन चेंज होती रहेंगी, बट आपका जो मेथड है वो सेम रहेगा, जैसे आपने क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ में किया है। एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, आई थिंक हो जाएगा, ईजी पड़ेगा। नहीं भी होता है तो फिर मैं आपको इसको बोर्ड पर करा दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और आगे के 8 और 9, 10 पाँच क्वेश्चन बचे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाँचों, काफ़ी डिफरेंस है बाकी क्वेश्चनों से। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप जो भी मेरे क्वेश्चन बनाए इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, जब तक आप प्रैक्टिस कर नहीं करोगे जब तक आपके सोल्यूशन नहीं होंगे। प्रैक्टिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट